आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और सोशल रिफॉर्मर, बहुत ही महान व्यक्ति केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन इनको बोला जाता है क्योंकि ये बंगाली है, तो हम केशव चंद्र सेन इनको बोलेंगे। बंगाली बहुत ही मीठी भाषा है दोस्तों, बंगाली लोग भी बहुत मीठे होते हैं और बंगाली भाषा भी बहुत मीठी होती है, लेकिन ममता बनर्जी जो इस समय कर रही हैं वो सही नहीं है, ये तो बात सही है। तो केशव चंद्र सेन की आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे ये, और देखिए ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राजा राम मोहन रॉय की बायोग्राफी। उसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, क्योंकि 1833 में तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु होगी, जो इनके सक्सेसर थे वो दो थे, एक थे द्वारकानाथ टैगोर और एक थे रामचंद्र विद्या बगीश। तो दोनों ही ने ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर के लड़के थे, यानी कि द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। वैसे देवेंद्रनाथ टैगोर के 15 बच्चे थे और सबके सब टैलेंटेड थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी मैंने पिछले अभी कल ही उसको रिव्यू किया है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड है, ये सारे सोशल रिफॉर्मर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे बैक टू बैक लेक्चर्स लाने पड़ रहे हैं, ताकि एक तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, दूसरी चीज आप नोट्स बना सके और एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। और दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बता दूं कि ये जितने भी फिलोसफर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी टीचिंग्स अगर आप अपना ले तो कमाली हो जाए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर आए वो आए केशव चंद्र सेन। तो आज हम केशव चंद्र सेन की बात करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर का जब हमने लेक्चर लिया था, सेशन लिया था कल, तब हमने इनके बारे में देखा था, थोड़ी बात की थी, आज पूरा एलैबोरेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये सोशल इविल्स थे, इनकी मैंने पिछली बार भी बात की थी, ये सारे के सारे सोशल इविल्स उस समय भारत में थे। इसीलिए तो भैया ये जो 19th सेंचुरी का पीरियड है इसको रेनेसा पीरियड भी बोला जाता है। हर देश में रेनेसा पीरियड आया, यूरोप में भी आया था 15th, 16th, 17th, वो हमने बात की थी जब मैंने लियोनार्डो डा विंची का पूरा लेक्चर किया था। तो हर देश में रेनेसा पीरियड आता रहा है, क्योंकि एक टाइम पे जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, लोगों को दबाया जाने लगता है तो लोग उठ खड़े होते हैं, और उनमें से कुछ लीडर सामने आते हैं जो लोगों का कॉज लेके उनके लिए लड़ते हैं। तो 19th सेंचुरी रेनेसा था, राजा राम मोहन रॉय पहले सुपर हीरो ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सारी चीजें देखी, देवदासी, पॉलीगैमी, ये सब दोस्तों मैंने एक्सप्लेन की है तो अब दोबारा इस पर नहीं जाऊंगा, सबको मालूम ही है वैसे ये, ठीक है। तो ये सब कुछ था उस समय और बहुत लोग इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है ना, पूरी सोसाइटी इनफैक्ट सपोर्ट करती थी, और जो बड़े लोग थे वो तो इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि इनके ये सारी चीजें फेवर में थी, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये जिम्मा लिया, और उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आए, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन आए। केशव चंद्र सेन की बात करें, इनकी अर्ली लाइफ, बड़ी एफ्लुएंट फैमिली में ये जन्मे थे, अच्छी खासी वेल्दी फैमिली थी दोस्तों। 19 नवंबर 1838 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, और इनके ग्रैंडफादर राम कमल सेन ओपोनेंट थे भैया राजा राम मोहन रॉय के। बताना चाहता हूं इन्होंने हिंदू कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई ली, बचपन से ही फिलोसोफर थे ये दोस्तों। इनके पिताजी जो थे प्यारे मोहन सेन, ओ ये थोड़ा सा पियरी हो गया, आई एम रियली सॉरी, प्यारे मोहन सेन ये वैष्णव थे, ठीक है, बहुत ही रिलीजियस इंसान थे दोस्तों, और काफी स्ट्रिक्ट माहौल था इनके घर में, ठीक है, स्ट्रिक्टली रिलीजियस थे। तो इसीलिए केशव चंद्र सेन जो थे बचपन से ही ये सारी चीजें पढ़ते रहे थे। देखिए दोस्तों ऐसा क्या है ना कि केशव चंद्र सेन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर का केशव चंद्र सेन के करियर को बढ़ावा देने में और उनको आगे लाने में बहुत बड़ा हाथ है। देवेंद्रनाथ टैगोर, आपको पता ही है कि देवेंद्रनाथ टैगोर तो 1839 में तत्वबोधनी सभा, जिसको तत्वबोधनी रंजनी भी बोला जाता था, वो फाउंड किया। उसके बाद 1842 में ब्रह्मो समाज से मिला दिया, ब्रह्मो समाज को उन्होंने रिवाइव किया, ठीक है। और इधर देवेंद्रनाथ टैगोर तो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए थे,
केशव चंद्र सेन का तभी जन्म हुआ था और बहुत ही छोटी सी उम्र में वो शामिल हो गए थे ब्रह्मो समाज में और एक उभरता हुआ सितारा थे। केशव चंद्र सेन एक जबरदस्त ओरेटर थे, आपको बता दूं पढ़ाई में ठीक थे, अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन इनको मैथ्स से बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैथमेटिक्स से फिलोसफी बहुत पसंद थी, सोशोलॉजी बहुत पसंद थी, इनको मैथ्स नहीं अच्छी लगती थी। बहुत लोगों को मैथ्स नहीं अच्छी लगती है, दूर भागते हैं, तो ऐसा कुछ था। तो केशव चंद्र सेन बहुत ही जल्द ब्रह्मो समाज में आ गए और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो इनको आचार्य की उपाधि दे दी, ठीक है, इनको ब्रह्मानंद बोल दिया। वो अपना सारा कामकाज इनको सौंप के, मतलब राजा राम मोहन रॉय के सक्सेसर देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे सक्सेसर केशव चंद्र सेन, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो केशव चंद्र सेन को उन्होंने सब कुछ दे दिया कि मैं जा रहा हूं चिंता करने, चिंता मतलब टेंशन लेने नहीं, चिंतन करने, धर्म का और चिंतन करूंगा, धर्म को और गहराई से समझूंगा। तो वो पहाड़ियों पे चले गए, तपस्या करने लगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इधर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। केशव चंद्र सेन की भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और 10 बच्चे थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनके दोस्त थे, तो ये चीज है। अब दोस्तों क्या है कि उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज से स्टडी की, लेकिन बहुत ही जल्द जैसा कि मैंने बताया ये ब्रह्मो समाज से जुड़ गए। 1859 में इनको ब्रह्मो समाज से जोड़ लिया जाता है। लेकिन देखिए केशव चंद्र सेन अति उदार व्यक्ति थे, बहुत उदार थे। अब क्या थे कि उस समय जो मैंने आपको इविल्स बताए, सोशल इविल्स बताए जो हमारे सोसाइटी में थे, तो इन्होंने इसको रिफॉर्म मतलब इसको सही करने की पूरा मन बना लिया था कि मुझे सही करना है। अब दिक्कत ये थी कि देखिए ये हिंदुइज्म में थे, तो क्या ये मुस्लिम में नहीं थे सोशल इविल्स? क्या क्रिश्चियनिटी में नहीं थे? भैया क्रिश्चियंस ने तो हमने बताया था ना अलेक्जेंडर बफ की बात की थी देवेंद्रनाथ टैगोर के लेक्चर में कि किस तरीके से अलेक्जेंडर बफ जो था वो उसने कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था, वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगा था। और वो क्या बोलता था कि देखो एक कुछ पीसेज उठाता था हमारे स्क्रिप्चर्स के और बोलता था देखो तुम्हारे हिंदुइज्म में इतनी खराब है, इतनी खराब चीजें हैं, ये सारी की सारी बुराइयां हैं, चलो क्रिश्चियनिटी में आ जाओ। तो इधर देवेंद्रनाथ टैगोर ने पूरा का पूरा कैंपेन छेड़ दिया था उसके खिलाफ, नेशनल ह्यूमिलिएशन बोल दिया था कि ये तो सरासर देश की ये तो बेइज्जती कर रहा है। तो वहां पे लोगों ने देवेंद्रनाथ टैगोर की सुनना शुरू कर दी थी, तो इसी काम को आगे बढ़ाया केशव चंद्र सेन ने। लेकिन जब देवेंद्रनाथ टैगोर सारा राजपाट नहीं सब कुछ जो भी ब्रह्मो समाज का पूरी लेगेसी जब केशव चंद्र सेन को देके चले गए, तो उसके बाद केशव चंद्र सेन ने सारे धर्मों को पढ़ना शुरू किया। केशव चंद्र सेन ने बोला कि ये तो हिंदुइज्म की बात है, तो क्या मुस्लिमों में बुराई नहीं है? मुस्लिम धर्म में बुराई नहीं है? क्या क्रिश्चियन धर्म में बुराई नहीं है? बुराई तो बिल्कुल होगी। देखिए धर्म में कभी भी बुराई नहीं होती है, लोग अपने हिसाब से धर्मों को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे केशव चंद्र सेन ने सारे धर्मों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, और सब धर्मों को पढ़ना ही चाहिए भैया अगर आपको एक अच्छी नॉलेज लेनी है, ठीक है। उन्होंने हिंदुइज्म को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने बाद में अपनी फिलॉसफी बना ली, हर कुछ एक है, सब कुछ एक है, सबको यूनाइट कर दो, यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सल रिलीजन, जिसकी बहुत बुराई हुई ब्रह्मो समाज के अंदर और इसीलिए ये स्प्लिट हो गया। देखिए दोस्तों क्या है ना कि 1859 और 1860 इसी के अराउंड इन्होंने एक संगत सभा संगत घाट के पास संगत सभा ये इन्होंने स्टैब्लिश की थी, जिस तरीके से राजा राम मोहन रॉय की आत्मीय सभा थी ना कि महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार मीटिंग होती थी, ठीक है ना, सैटरडे को मीटिंग होती थी और वो अपने आप को देखते थे, उस पे बातें होती थी, रियलाइजेशन होता था, डिफरेंट रिलीजन्स पे, सोशल कॉजेस पे बातें होती थी और उसका समाधान निकाला जाता था। ऐसे ही केशव चंद्र सेन ने भी ये सभा जो है वो एस्टैब्लिश की थी। यहां पे हर एक इंसान धर्मों को पढ़ के आता था और उस पे फिर बातें होती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहां पे केशव चंद्र सेन जो है वो सारे धर्मों को पढ़वाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जब देवेंद्रनाथ टैगोर वापस आया उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं छोड़ के जब गया था तब तो मेरा ब्रह्मो समाज कुछ और था और जब मैं आया हूं अब कुछ और है, ये केशव क्या कर रहा है? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को भी ब्रह्मो समाज में ले आए थे, वो इस्लाम को भी, वो सारे धर्मों को ब्रह्मो समाज में ले आए थे, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है भैया सारे धर्मों को पढ़ो, पूरी सोसाइटी को, लेकिन यहां पर ब्रह्मो समाज जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उससे ये डाइवर्जन
शुरू हो गया और उसके बाद आचार की उपाधि दी, ब्रह्मानंद की उपाधि दी, वो एक के बाद एक वापस लेना शुरू हो गई। अब यहां पे दोस्तों क्या है कि केशव चंद्र सेन को इसीलिए बाहर निकाल दिया गया था। जी हाँ, ब्रह्मो समाज से इनको बाहर कर दिया गया था। एक और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए, इंसान है, ऐसा नहीं है कि केशव चंद्र सेन, एक बहुत बड़ी इनकी गलती थी, वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब गलतियों की, अगर एक दो गलतियां हो जाती है इंसान से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से बुरा व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे दोस्तों केशव चंद्र सेन को बाहर भी निकाल दिया गया। इन्होंने इंडियन, बहुत सारे इंडियन मिरर भी इन्होंने निकाला, जो कि एक वीकली जनरल था कैलकटा ब्रह्मो समाज का। दोस्तों ऐसा है ना कि बहुत सारे जनरल्स निकलने शुरू हो गए, और ब्रह्मो समाज की बाद में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि उस समय जो पत्रिकाएं थी, आप अपने आइडियाज को कैसे प्रोपोगेट करेंगे, पत्रिका निकाली, जर्नल्स पर रखिए, लेकिन ये बड़ी महंगी हुआ करती थी। ठीक है, और ये ज्यादातर इंग्लिश में होती थी, तो प्रॉब्लम होती थी, लोग समझ नहीं पाते थे। तो यहां पे केशव चंद्र सेन हो चाहे देवेंद्रनाथ टैगोर हो, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भैया वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यूज करो, बंगाली है तो बंगाली में लोगों को पढ़ाओ, जिस भाषा में लोग समझे उसमें पढ़ाओ। दूसरी चीज ये है कि ये जो पत्रिकाएं हैं, ये उस समय बड़ी महंगी होती थी, तो इसको सस्ते में बेचो, चीप जर्नल्स, चीप लिटरेचर, ताकि लोग पढ़ सके, लोग खरीद सके, हर कोई इतना अमीर नहीं होता है। तो बहुत सारी पत्रिकाएं, जिसमें एक इंडियन मिरर भी थी, दोस्तों ये सब जो है याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये वन वर्ड में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इन्होंने वीकली जर्नल स्टार्ट की, जिसमें ब्रह्मो समाज की टीचिंग्स होती थी। ठीक है, और उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज पे बात होती थी, बहुत सारे सोशल इश्यूज का आगे लाया जाता था। लेकिन दोस्तों ये जो रिफ्ट था ब्रह्मो समाज में केशव चंद्र सेन की वजह से, ये अब दिखने लगा था। ठीक है ना, तो ये चीज थी। अब ऐसा है कि यहां पे 1865 में जब जब देवेंद्रनाथ टैगोर वापस आए, तो उन्होंने बोल दिया कि आप जो है छोड़ दीजिए। इसमें बहुत सारे यंग लोग भी थे, ठीक है, बहुत सारे युवा लोगों ने भी सीधा प्रोटेस्ट कर दिया था ब्रह्मो समाज की, कुछ चीजें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है ना, तो ये चीज थी। तो यहां पे फिर उन्होंने अपना एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लिया, मतलब ब्रह्मो समाज जो है वो डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ब्रह्मो समाज तो एक आदि ब्रह्मो समाज में बट गया, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोरी चला रहे थे, और एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में, ये बहुत ब्रॉड था और ये सीमित था। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो बना लिया था केशव चंद्र सेन ने, और उसमें फिर इन्होंने अपने हिसाब से टीचिंग्स, मतलब अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसा कि मैंने बताया, कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी नफरत थी या कुछ भी, लड़ाई करके, नहीं, ऐसा नहीं, विचारों का मतभेद था। और इनफैक्ट देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुछ भी नहीं बोला था, बिल्कुल शांत रहे थे वो। और उसके बाद तो वो फिर रिटायर ही हो गए थे, ब्रह्मो समाज उन्होंने छोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने पूरी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी पूरे देश भर में। वैसे भी दोस्तों ब्रह्मो समाज बहुत स्प्रेड हो गया था, पूरे देश में फैलना शुरू कर दिया था। 65 ब्रांचेज तो खाली कोलकाता में थी, ठीक है ना, कलकत्ता में। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, नॉर्दर्न साइड हो गया, पंजाब, यहां सब जगह इसकी ब्रांचेज जो है वो फैलना शुरू हो गई थी। तो ब्रह्मो समाज को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यहां से स्प्लिटिंग शुरू हो गई थी, डिविजन शुरू हो गया था। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लिया, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया भी अभी बाद में स्प्लिट होगा। जी हां, ये नहीं है। अब ऐसा है दोस्तों कि जब इन्होंने धर्मों को पढ़ना शुरू किया, तब इन्होंने ये सोचा कि मैं धर्मों को तो पढ़ रहा हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मुझे वाकई चीजों को समझनी है तो मुझे उन्हीं के देश जाना होगा। तो 1870 में ये इंग्लैंड भी गए, 6 महीने तक वहां रहे, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट रहे थे, क्योंकि बहुत अच्छा रिसेप्शन इनको नहीं मिला था। और क्रिश्चियनिटी की जो इन्होंने प्रैक्टिस देखी थी, केशव चंद्र सेन तो उन्होंने तो वेदों को पढ़ लिया था, वो तो पूरा एक हिंदुइज्म में चले गए थे। तो वहां पे इन्होंने एक चीज बोली थी कि क्रिश्चियनिटी, मतलब इंग्लैंड में जो क्रिश्चियंस है वो काफी मेटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जो केशव चंद्र ने सिंबल बनाया था, ठीक है, अपनी टीचिंग का, उसमें क्रेसेंट भी था, ठीक है, इस्लाम का क्रेसेंट भी था, उसमें क्रिश्चियनिटी का क्रॉस भी था, और उसमें हिंदुइज्म का ओम भी था। तो तीनों धर्मों को मिला के ये यही चाहते थे कि भैया एक ही रिलीजन हो। देखिए,
यहाँ पे क्या है कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि देखिए रिलीजन तो सब डिफरेंट है, ठीक है, और सबके डिफरेंट पाथ हैं, लेकिन जो एक बहुत जिसने सारे धर्मों को पढ़ा है वो हमेशा यही बोलेगा कि सारे धर्मों की भले ही टीचिंग्स अलग अलग हो लेकिन आगे जाके वो एक ही रास्ते पे मिल जाते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सब आगे जाके ये एक ही पाथ में मिल जाते हैं और सबका एम एक ही है, मोक्ष, सबका एम एक है, बस वो अलग अलग तरीके जो है वो बताता है, सबका एम तो एक ही है। तो यही बोलते थे कि भैया कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है। और केशव चंद्र सेन ये भी सोचने लगे थे कि वो देखिए पहले केशव चंद्र सेन ने आइडल वर्शिप को बिल्कुल भी नकार दिया था कि कोई आइडल वर्शिप नहीं करनी है, मूर्ति पूजन करना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मो समाज की सबसे बड़ी टीचिंग थी कि हमको मूर्ति पूजन नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब रामकृष्ण परमहंस, वही रामकृष्ण परमहंस जो कि गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, इसके बाद मैं रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी को रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि केशव चंद्र सेन के बाद पैरेलली रामकृष्ण परमहंस भी चल रहे हैं के, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, ठीक है, भारत के लिए। भैया स्वामी विवेकानंद के तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी विवेकानंद तो वही व्यक्ति हैं भारत में, अगर सबसे ज्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, सबसे ज्यादा जिसमें भारत में जिसको सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वो स्वामी विवेकानंद है, विदाउट डाउट। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स, उनके व्यक्तित्व, उनके कैरेक्टर को अभी तक हम पूजते हैं, ये तो सबको पता है, स्वामी विवेकानंद। वैसे उनकी बायोग्राफी को रिव्यू किया है, बहुत लोग देख चुके हैं दोस्तों, 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उसमें, तो आप देख लीजिए। तो अब दोस्तों आइडल वर्शिप जो है ये पहले अपोज करते थे, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस से 1875 में मिले ये केशव चंद्र सेन, सरेंडर, केशव चंद्र सेन ने सरेंडर कर दिया रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस का तो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जिससे मिलते थे उनसे सरेंडर करवा देते थे। तो यहां पे केशव चंद्र सेन की फिलॉसफी बदलनी शुरू हो गई, आइडियोलॉजी बदलनी शुरू हो गई, उनका विचार बदलना शुरू हो गया। अब जब रामकृष्ण परमहंस माता काली के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, तो माता काली के मतलब तो वो तो आइडल वर्शिप हो गई, एक तरीके से मूर्ति पूजन हो गया। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस से केशव चंद्र सेन ने बात की, तब उनको लगा कि ये कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भी मूर्ति पूजन एक टाइम पे स्टार्ट कर दिया था। भक्त हो गए थे भैया, दुर्गा पूजा, काली माता काली, तो केशव चंद्र सेन इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, शक्तिज्म में चले गए थे वो, ठीक है, देवी की वर्शिप। भैया पता है ना 4 सेक्ट होते हैं, चलो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैंने कई बार बताया, मैंने भक्ति मूवमेंट पे पूरा लेक्चर लिया था, मैंने हिंदुइज्म पे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से 4 सेक्ट। एक तो मैंने आपको बता दिया शक्तिज्म, देवी की पूजा, बाकी 3 आप बताइए, ठीक है। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे एक चीज, अच्छा इन्होंने एक चर्च भी 1868-69 में एक नया चैपल भी बनाया था, लेकिन यहां पे ये अलग था, मतलब जो क्रिश्चियनिटी की ओरिजिनल टीचिंग थी उससे थोड़ा सा केशव चंद्र सेन अलग हटके काम कर रहे थे। केशव चंद्र सेन बोलते थे कि भैया अगर बैप्टिज्म करना है तो वाइन और ब्रेड से मत करो, बैप्टिज्म करना है क्रिश्चियनिटी में तो राइस और वाटर से करो। तो पूरा अलग ये चल रहे थे, और सारे धर्मों के लोग इनकी बहुत इज्जत करने लगे थे, बहुत गजब ओरेटर थे, आपको बता दूं। इसीलिए केशव चंद्र सेन कोई बहुत बड़े स्कॉलर तो नहीं थे, लेकिन ओरेटर इतने जबरदस्त थे कि जब बोलते थे सब शांत होकर सुनते थे इनकी। तो ये बात थी, ठीक है ना। तो ये चीज थी, बहुत सारी दोस्तों केशव चंद्र सेन ने बहुत सारी चीजें की, ठीक है। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज से भी जुड़े, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की बात करें तो ये भी उस समय सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी। चलो बता दो भैया प्रार्थना समाज बनाया किसने था। उसके बाद इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया। उसके बाद इन्होंने एक इंडस्ट्रियल स्कूल बना दिया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद जो उस समय औरतों की कंडीशन थी, सबसे बड़ी चीज मैरिज, ठीक है, जो शादी होती थी उस समय, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड थी ही नहीं, आज भी नहीं अलाउड, हमने देखा है ना ऑनर किलिंग हो जाती है, जो कि अब मैं क्या बोलूं इस पे, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये तो वैसे पनिशेबल है, तो ये जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, छोटी छोटी लड़कियों की शादियां हो जाती थी, बाल विवाह होता था, तो इसके खिलाफ इन्होंने एक अपील की थी सरकार से, और मैरिज एक्ट आया था। जी हाँ, 1872 में ये सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ था कि एक मिनिमम एज होगी, ठीक है, दूल्हे के लिए 16 साल, जो लड़का है उसके लिए 16 साल, और जो वधू है, जो लड़की है, वो कम से कम 14 साल की होनी चाहिए अगर शादी करनी है तो। इंटरकास्ट मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैरिज एक्ट जो है ना 1872 ने इनके इनिशिएटिव से पास हुआ था।
1870 में दोस्तों इन्होंने वर्किंग मैन एसोसिएशन भी फाउंड किया था, जो कि एक तरीके का इंडस्ट्रियल स्कूल था। उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके, कारपेंट्री सिखाई जाती थी और जो बाकी के ऑड वर्क्स होते हैं ना वो सिखाया जाता था। तो काफी इन्होंने काम किया दोस्तों, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैरिज एक्ट, जिसमें वधु की उम्र जो थी वो 14 साल और 18 साल उसमें जो लड़का था, कम से कम इतनी एज के तो होनी चाहिए अगर दोनों की शादी करनी है। क्योंकि पहले क्या होता था, 8 साल के हुए शादी कर दो, 9 साल के हुए शादी कर दो, तो इस तरीके से तो शादियां होती थी, ठीक है ना। अब दोस्तों उसके बाद फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में, ये तो बहुत ही बड़ा इन्होंने काम किया था कि किस तरीके से सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। 5 ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों। सबसे पहले क्या, चैरिटी, भैया जितना हो सके चैरिटी करो। उसके बाद टेम्परेंस। टेम्परेंस क्या होता है पता है कि नहीं? आजकल टेम्परेंस कोई फॉलो नहीं करता है। टेम्परेंस मतलब होता है कि भैया शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, नशे से दूर रहो। आज मैंने देखा है, आज की सोसाइटी में क्या होता है कि अगर आप कहीं जाए और आप इफ यू डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, दैट्स व्हाई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब जाता हूँ और मुझे ऑफर की जाती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, आई डोंट ड्रिंक, तो मुझे ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया हो। मतलब मैं तो एकदम ही नीचे हूँ और वो, मतलब यहाँ पे ड्रिंकिंग को एक बहुत ही क्लासी समझा जाता है। और उसके बाद जब उनके सारे फेफड़े सड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार मुझे नहीं पीनी चाहिए थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तब उसको पता चलता है। तो भैया ड्रिंकिंग से याद रखना, अगर आपको सक्सेस तो चलिए वैसे सक्सेस में भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है, सक्सेस होना है आपको, प्योर रहना है आपको, अपनी बॉडी को फिट रखना है और भैया पॉजिटिविटी लेके आनी है, तो ये किसी भी तरीके से नशे से दूर हो जाओ। नशा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, चाहे जो हो जाए। एक महीना थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है, छोड़ने में। अगर आप अभी कोई भी नशा करते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, मुश्किल होती है, लेकिन अल्टीमेटली एक महीने बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितनी बड़ी चीज कर दी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहां मैं चला गया यार, टेम्परेंस। उसके बाद फिर वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, औरतों की क्या व्यथा थी उस समय। वैसे आपको बता दूं कि वुमेन्स हायर एजुकेशन को केशव चंद्र सेन भी कहते थे कि वुमेन्स को बहुत हाई एजुकेट नहीं करना चाहिए, मतलब साइंस फिलॉसफी बहुत जो हाई एजुकेशन होती है ना, डॉक्टरेट, वो वुमेन्स को नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन का राइट सबको है। उसके बाद दोस्तों चीप लिटरेचर, ये चौथा इनका एम था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। और उसके बाद फिर एजुकेशन। एजुकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन रिफॉर्म अगर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज है, ये सब आपको करना है। तो इतना कुछ केशव चंद्र सेन भैया करके गए। तब ये सब चीज मैं बता चुका हूं, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वापस आए, 6 महीने तक इंग्लैंड में रहे, वहां पे बहुत सारे लेक्चर दिए, बहुत सारी कंट्रीज गए अगल बगल की, स्कॉटलैंड, और देखिए यूरोप में सारी कंट्रीज मतलब बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। यूरोप है ही कितना बड़ा, ठीक है ना, भारत का आधा भी नहीं है यूरोप, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब दोस्तों ये इंग्लैंड गए, वहां पे भी इन्होंने काफी मतलब क्या कहते हैं कि वहां पे भी इन्होंने काफी कुछ किया और काफी लेक्चर्स दिए, काफी इनकी ओरेटरी स्किल्स इतनी बढ़िया थी कि हर किसी ने सरेंडर कर दिया। तो ये चीज है, क्रिश्चियनिटी को वहां पे बहुत सारे फ्लॉज मिले, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को जब इन्होंने देखा तो बहुत सारे फ्लॉज मिले, काफी नैरो रिलीजन उन्होंने बताया और काफी मतलब बहुत मेटीरियलिस्टिक है। ऐसा तो क्रिश्चियनिटी ओरिजिनल टीचिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भैया धर्म कुछ भी गलत नहीं सिखाता है, लेकिन लोग गलत सिखाने लगते हैं उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के। अब उसके बाद दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सी की अगर बात करें तो इन्होंने देखिए क्या था कि जो मैरिज एक्ट था, ये बोलते थे कि बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी जो कि 13 साल की थी उसकी शादी तय कर दी थी इन्होंने, बिहार के राजा थे, कुछ बिहार के राजा से इन्होंने शादी तय कर दी थी, वो भी माइनर थे। अब एक तरफ आप बोल रहे हो कि भैया ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और वही चीज आप कर रहे हो, ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। यही एक गलती हुई थी केशव चंद्र सेन की अपने जीवन में। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जब दोनों की ये तय हुई थी, लेकिन जब दोनों की शादी हुई तब वो मतलब वो ठीक था, वेडल थे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। केशव चंद्र सेन इस पे कुछ भी नहीं बोले, भर भर का इन पे क्रिटिसिज्म हुआ, तो केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज से बहुत लोग अलग हो गए और फिर ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया। और अभी तक तो ब्रह्मो समाज दो में था, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब यह ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दोबारा स्प्लिट हो गया, ठीक है,
और यहां से एक ब्रांच निकल के बन गई साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है ना। तो ये कहानी थी। केशव चंद्र सेन को धक्का जरूर लगा होगा, लेकिन उन्होंने जो ये शादी की थी, अब इसकी दोस्तों बहुत लंबी स्टोरी है, नहीं जाऊंगा मैं फिलहाल इसमें। अपनी बेटी की जो शादी थी उन्होंने जो तय कर दी थी, ये बिल्कुल गलत था, ठीक है ना। और मिनिमम एज जो थी वो थी नहीं, 13 साल की थी इनकी बेटी, तो ये ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। ये 1877 की बात है। और बहुत सारे लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया और बोला कि जो आप बोलते हैं वो, जो आप पढ़ाते हैं आप खुद ही वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या, ऐसा तो चलेगा नहीं। दोस्तों केशव चंद्र सेन का जीवन जो है वो बहुत जबरदस्त रहा है, और 8 जनवरी 1884 में ये हिंदू फिलोसोफर की, इसका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, ठीक है ना। तो ये थी। अब दोस्तों अगर हम देखें, हम समअप करें कि केशव चंद्र सेन क्या चाहते थे। केशव चंद्र सेन सबसे पहले तो यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव करते थे, ठीक है भैया, यूनिवर्सल रिलीजन रहे और हर कोई प्रेम से रहे, भैया भगवान को मान लो, बस काम खत्म। उसके बाद दोस्तों सोल को मानने लगे थे, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, भैया आत्मा हमेशा अमर है, और कर्म का ये जो लॉ होता है ये तो दोस्तों साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बताऊं, लॉ ऑफ कर्मा जो है उसको भी मानने लगे थे। उसके बाद ये बोलते थे कि जो भैया बहुत महान लोग हैं उनको भगवान नहीं भेजा है, महान लोगों को भगवान ने भेजा, और स्पेशल मिशन पे अपने आप को भी अवतार मानने लगे थे। जी हाँ, वो भी सोचते थे कि मैं अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं इसलिए भगवान ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, तो मैं भी एक स्पेशल मिशन पे हूं, ये चीज थी। और सबसे बेहतरीन चीज जो उन्होंने, जो हम समअप करेंगे, जो पॉइंट है, सोशल इंप्रूवमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन, आप समझे ना, एंड मॉरेलिटी इज यूजलेस विदाउट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। क्या बात है, अगर सोशल इंप्रूवमेंट करना है तो भैया अपना मोरल हाई रखो, अपनी वैल्यूज हाई रखो। एक करप्ट इंसान क्या कभी भी सोसाइटी को इंप्रूव कर पाएगा? नहीं कर सकता, नामुमकिन है। एक अच्छा इंसान ही तो करेगा ना, लेकिन वो अच्छाई कब डेवलप होगी, जब आप स्पिरिचुअली, अब स्पिरिचुअल का मतलब आप मूर्ति पूजन से मत समझिएगा कि भगवान की भक्ति में, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं लेकिन अंदर इतना मैल बना है, पूजा करके उठे और सबको गाली देना शुरू, तो वो कोई फायदा नहीं है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मतलब होता है खुद का रियलाइजेशन, जो स्पिरिट है, जो आपकी सोल है उसको जगाओ, वो जो एनर्जी है वो हर जगह फैले, और जब वो रियलाइज होगा तब आप इस यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे और तब मोरालिटी डेवलप होगी, अच्छाई डेवलप होगी। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बिना मोरालिटी नहीं है, और मोरालिटी के बिना सोशल इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। यूनिफिकेशन ऑफ ऑल रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, सब एक हैं, और भैया एक ही भगवान है, वन गॉड विदाउट फॉर्म, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज केशव चंद्र सेन की अगर हम लाइफ को समअप करें, ये थी। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा। अब हम अगले एक और सोशल रिफॉर्मर को देखने वाले हैं, रामकृष्ण परमहंस। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।